भजन करना चाहिए और चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। अकारण टेलीफोन भी नहीं करना चाहिए। टेलीफोन भी करना चाहिए तो ऊपर ही करना चाहिए, जगत में नहीं। धीरे धीरे हटाइएगा तभी हटेगा। जैसे धीरे धीरे चिपका है वैसे धीरे धीरे हटाइए। कई लोग कहते हैं कि आपको टेलीफोन करो, उत्तर नहीं आता। देखो, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी तो चिट्ठी में लिखा जाता था उत्तरापेक्षी राम स्नेही यादव, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में आपका ही एंड सो ऑन जो भी हो। जब उत्तर की अपेक्षा की जाती है तब उत्तर भेजना अनिवार्य हो जाता है। आजकल कोई उत्तर मांगता ही नहीं, भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, उत्तर ढूंढते नहीं। तो जिसकी अपेक्षा नहीं करेंगे वो आपके पास आएगा नहीं। जैसे जैसे मन हमारा आपका चिपका है वैसे वैसे इसको ऊपरति प्राप्त करा के इधर चिपकाना है, यहां लगाना है। आप गए महाराज आप विरक्त बना देंगे। देखिए, कोई बनाने से साधु बनता नहीं है, बनाने से विरक्त कोई क्या बनेगा। साधु नहीं बनाए जाते, साधु होता है बनाया नहीं जाता। साधक नहीं बनाए जाते, अरे छोड़िए, पुजारी नहीं बनाया जा सकता है। पुजारी महाराज होते हैं, बनाने से कोई बनता है क्या? कुछ बनाने से नहीं बनता। न अनुरागी बनाया जा सकता, न वैरागी बनाया जा सकता, न रागी बनाया जा सकता। जिस जीव के जैसे पुराकृत कर्म है, जन्माद्य संस्कार, बस क्रमाण संचित और प्रारब्ध तीनों मिलकर, वो वैसा ही जन्म लेता है। न बनाया जाता है, न बिगाड़ा जाता है। प्रयास करके भी संभव नहीं। एक भाई एक हमको मिले कथा में, बोले महाराज जी आपके नाम हमने बहुत बहुत कई अनुष्ठान किए हैं, उसकी दक्षिणा बकाया है। तो मैंने कहा आपने हमको बताया नहीं कि आप मेरे नाम से बहुत बन अनुष्ठान कर रहे हैं, वरना कानपुर वाला हम ना करवाते, आश्रम में जो करवाते वो भी ना करवाते। बोले हम संकोच के मारे नहीं बताए, तो सोचा अब आप आ गए हैं तो चल के अभी बता दें। हमने कहा भाई ठीक है, बता दिया आप, अच्छी बात है। अब ये देखिए जीव की मनस्थिति, अच्छे साधक हैं वो, उनको पता है मिलेंगे तो कुछ तो ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी ही, थोड़ा ऐसा वैसा बता देंगे तो थोड़ा बढ़ के मिल जाएगी। अब ये क्या है, साधना की यात्रा है, साधक हैं, घूम रहे हैं, तीर्थाटन भी कर रहे हैं, ये नहीं छूट रहा है कि भैया मिलेंगे तो ऐसा ऐसा कहना है। तो क्षमा करिएगा, किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता है, जीव बनता है। बहुत कठिन है। मैं आपको प्रसंग सुना रहा था, मां बाबा के समक्ष पहुंची, क्या है, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित्तधाराय। भोले बाबा भगवान श्री हरि के तीन अवतार की कथा मां को सुना चुके हैं,